हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग नीट पीजी 2020 का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड अवेलेबल हो गया है, निकल चुका है। कैसे चेक करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स को नीट पीजी का जो रिवाइज्ड स्कोर कार्ड है वो नहीं मिल पाता है। वो चाहते हैं कि उनके रिवाइज स्कोर कार्ड उनको मिले, वो चेक कर पाएँ, पर उन्हें नहीं मिल पाता है। वो सही तरीके से नहीं चेक कर पाते और उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि रिवाइज स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि नीट पीजी का जो रिवाइज स्कोर कार्ड है वो आ चुका है और आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है उसमें आपका स्कोर कार्ड। काफ़ी सिंपल है पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जान पाते, तो आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीट पीजी का एक्सक्लूसिव चैनल है, जहाँ नीट पीजी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले इसी चैनल पर आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे नीट पीजी से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं। और फ्यूचर पास में भी जो अपडेट्स आए वो आप जहाँ से चेक कर सकते हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगली चीज़ है कि आप जो रिवाइज्ड स्कोर कार्ड है वो कैसे आप चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है नीट पीजी 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ नीट पीजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसे लिखकर आप सर्च करेंगे। जैसे आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीट पीजी 2020 और यहाँ पे लिखा है कट ऑफ रिवाइज्ड। ओके, तो कट ऑफ जो है रिवाइज मेरिट लिस्ट आ चुकी है, रिवाइज कट ऑफ आया, नीट पीजी 2020 लिखा है यहाँ पे, IAS paper.net लिखा है, इसे ही ओपन करना है, कुछ और ओपन करने की जरूरत नहीं, तो इसे ओपन करेंगे हम लोग। जैसे आप इसे ओपन करेंगे डेफिनेटली नए टैब में जाएंगे। ऑल राइट, तो मैंने 150% जूम करके रखा है इस पेज को। नीट पीजी का जो कट ऑफ है, रिवाइज कट ऑफ निकल चुका है, मेरिट लिस्ट, स्कोर कार्ड, काउंसलिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो नीट पीजी का रिवाइज स्कोर कार्ड है अवेलेबल हो चुका है 20 जुलाई 2020 को। रिवाइज कट ऑफ जो था वो 14 जुलाई 2020 को निकला था, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई थी रिवाइज कट ऑफ के लिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए हमने रिवाइज कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई थी, उसे आप सारे स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आप चेक कर सकते हैं नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ जो है डिक्लेयर हुआ था। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप बता दूं कि उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्म है आप इसे ज़रूर भर दें, आपका फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से, एग्जाम्पल के तौर पर मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं उत्तराखंड पर क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला हूँ, देहरादून पर क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो नीट पीजी है वो मेडिसिन हेल्थ केयर में आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आपको कुछ और हो सकता है, जो भी आपकी उस पर लिखना है और गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, नीट पीजी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए मिलते रहेंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल और एसएमएस आते रहेंगे, आप उनके पास चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही लेंगे, पर इस तरह से करने से क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे चॉइसेस होते हैं, जहाँ चॉइसेस होते हैं वहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं, तो जो सिलेक्शन होता है वो बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आपको गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, पर डेफिनेटली रिजल्ट और वैल्यू काफ़ी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट पीजी का जो ऑल इंडिया का 50% कोटा है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था 18 फरवरी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट पीजी 2020 रिवाइज कट ऑफ रिलीज, यानी रिवाइज कट ऑफ रिलीज हो चुका है, नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ जो है अवेलेबल हो गया है और नीट पीजी का रिवाइज स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है 20 जुलाई 2020 को। क्लिक हियर टू चेक रिवाइज स्कोर कार्ड डिटेल्स, उससे पहले आप यहाँ पे चाहे तो नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में दिया है, तो आपको कहीं की जाने की जरूरत नहीं, इस पेज को बुकमार्क कर लें जिसे फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट पीजी रिवाइज स्कोर कार्ड हैज़ बीन अवेलेबल, क्लिक हियर टू चेक स्कोर कार्ड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, ऑल राइट, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक करेंगे, तो यहाँ पे रिवाइज स्कोर कार्ड निकल चुका है, क्लिक हियर टू चेक डाउनलोड स्कोर कार्ड थ्रू लॉगिन। उसके पहले नोटिस आई हुई है स्कोर कार्ड की, तो नोटिस मैं दिखा देता हूँ, आप इसे चेक कर लेंगे। तो नोटिस भी आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोटिस यहाँ पे आ चुकी है, नोटिस पे लिखा है कि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर चुका है NBE का 30 जुलाई को, ये 14 जुलाई को आया था, इसमें रिवाइज कट ऑफ वगैरह हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ है। और तो यहाँ पे दिखा है रिवाइज स्कोर कार्ड आया हुआ, क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड थ्रू लॉगिन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, उसके पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेंट लॉगिन है, तो एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप की डेट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपने यूज़र नेम डालना है आपको, जो यूज़र आईडी है आपका नीट का, तो जो भी आपका यूज़र आईडी है वो डालना है आपको, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो जो भी पासवर्ड है, और लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल के, यूज़र डाल के, ये जो कैप्चा है ये डालना ज़रूरी है, कैप्चा जो है वो सेम टू सेम डालना है, कोई गलती नहीं करनी है, और गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा,
नीट पीजी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको ईमेल एसएमएस के जरिए मिलते रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ईमेल और एसएमएस आते रहेंगे कि आप उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस पे आपको गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, गेट पासवर्ड से आपका पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है वो रिवाइज्ड आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारी क्वेरीज को नीट पीजी से रिलेटेड सॉल्व किया रहेगा। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करना, या फिर जो मैंने मेथड बताया था नीट पीजी 2020 और उसके आगे आपको iispaper.net लिखना है या फिर iispaper लिखना है गूगल के अंदर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी वैल्यू दी है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।